तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखो कि इसमें क्या है। इसमें बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो अच्छा सा थोड़ा सा रुक के समय देना, विजुअलाइज करना और सोचना कि कहा क्या जा रहा, करना क्या है, ये सब समझना जरूरी है। एक कार है, सर्कुलर पाथ में मुड़ रही थी। ऐसे एक कार है, ठीक है, ये सर्कुलर पाथ है, इसमें एक कार मुड़ रही थी और ये कार में एक ऐसे प्लेट रखा हुआ था, ऐसे एक प्लेट रखा हुआ था और प्लेट से चिपका के ऐसे एक ब्लॉक रखा हुआ था, ठीक है ना, ऐसे। तो जो ब्लॉक है वो ये वाला ऐसे है ब्लॉक, ये ब्लॉक है और ये जो है अपनी कुछ एक ऐसे प्लेट थी और ये टॉप व्यू है, टॉप व्यू ऐसे है कुछ, ठीक है, थोड़ा सा साइड व्यू। ये रेडियस आर में कार मुड़ रही है, कार अंदर से ऐसे आ रही है और ऐसे जा रही है। तो ये जो मैं साइड व्यू यहाँ पर दिखाया हूँ, तो मैं कार तो पूरा नहीं बनाया हूँ, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, इसके आपको समझ में आ रहा होगा। तो जब ये गाड़ी मुड़ रही है, ठीक है, तो पहले केस में ये ब्लॉक जो है, ब्लॉक का मास कितना है भाई, ब्लॉक का मास है 50, नहीं, ब्लॉक का मास है कितना बोलो, तो ब्लॉक का मास है यहाँ पे लिख लो 100 ग्राम, ठीक है। स्पीड कितनी है भाई, स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर, तो 36 किलोमीटर पर आवर, तो 36/5/18, तो ये 2 टाइम्स कट जाएगा। तो फाइनली जो ब्लॉक की स्पीड, कार की स्पीड बनेगी वो 10 मीटर पर सेकेंड बनेगी। और अगर कार की स्पीड 10 पर सेकेंड है और रेडियस अपना, कार की जो रेडियस है वो ऑलरेडी 50 मीटर दे रखा है, ठीक है, म्यू जो लेना है, किसके किसके बीच म्यू है, द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड प्लेट, मतलब ये वाला म्यू है, अच्छे से समझने की कोशिश करना। यहाँ पर जो म्यू प्रेजेंट है, यहाँ पर इनके बीच, प्लेट और ब्लॉक के बीच जो म्यू है वो है 0.58, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे पहला केस इसमें हमें करना है, नॉर्मल निकालना है, फाइंड द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एग्जर्टेड बाय द प्लेट ऑन द ब्लॉक। ये जो काला वाला है वो मेरा प्लेट है प्यारे बच्चों, तो ये जो ये प्लेट है, तो प्लेट नॉर्मल क्यों लगाएगा, समझने की कोशिश करना। प्लेट जो है नॉर्मल क्यों लगाएगा, इस बात को हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लेट इसलिए नॉर्मल लगाएगा क्योंकि जो ब्लॉक है वो प्लेट को दबा रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपने फ्रेम में फील कर रहा होगा, तो ये जो ब्लॉक है वो प्लेट को इधर को डायरेक्शन में दबा रहा होगा, पुश कर रहा होगा नॉर्मल। तो ये जो प्लेट है इस ब्लॉक पे इधर की डायरेक्शन, इधर मतलब बोले तो ये टुवार्ड द सेंटर, सेंटर की डायरेक्शन में ऐसे आएगा। तो इस नॉर्मल की हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक ना। तो चलो इस नॉर्मल की वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं, तो सबसे पहले अगर तुम देखोगे, तो सबसे पहले अगर इस नॉर्मल की वैल्यू देखोगे, तो मैं एक बार आपके लिए इरेज कर देता हूँ और फिर हम इसको शुरू से बताते हैं। तो ये कहानी आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा टाइम देते हैं क्योंकि कहानी समझना ज़रूरी है, तो इस चीज़ को मैं आपको टाइम देके समझा रहा हूँ। तो पहले केस में जो है फोर्स, सबसे पहले कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं ये देखते हैं। सबसे पहले ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील कर रहा होगा, ब्लॉक का FBD बना रहे हैं, ब्लॉक पे लगने वाले फोर्सेस देखो। तो ब्लॉक पे सबसे पहले देखोगे तो सबसे पहले इधर के डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील कर रहा होगा और ये आ जाएगा MR ओमेगा स्क्वायर या वट एवर जो भी है, MV स्क्वायर ओवर रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, ये वो है। तो ये वाली सेंटर की तरफ नॉर्मल ऐसे आएगा, ठीक है ना, ये वाला नॉर्मल। इसके बदले जो है नॉर्मल लगेगा प्यारे बच्चों इधर सेंटर की तरफ, ध्यान से समझना, बड़े ध्यान से, नॉर्मल लगेगा सेंटर की तरफ। तो बस यही दो फोर्स लगेंगे। और अगर जो यहाँ पे अगर वेट वगैरह की बात करोगे, तो वेट वगैरह से यहाँ पे हमें कोई ज़्यादा मतलब है नहीं, फिर भी अगर देखोगे तो MG नीचे जाएगी, ठीक है, और ये MG की वजह से जो नॉर्मल आएगा ऊपर जाएगा, बट वर्टिकल में कोई मोशन नहीं हो रहा, तो ये कंपोनेंट फोर्स के जो वर्टिकल वाले हैं वो हमारे यूजलेस हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल की जो वैल्यू आ जाएगी बच्चों वो आ जाएगी MV स्क्वायर ओवर R, सिंपल सी बात है। अब MV स्क्वायर ओवर मास की वैल्यू कितनी है बोलो, 100 ग्राम है, तो ये 10 की पावर -3 kg आ जाएगा।
और स्पीड कितनी है भाई, स्पीड है 10 और मल्टीप्लाइड बाई 10, ठीक है ना, और डिवाइड करते हैं रेडियस, देखो रेडियस कितना है, तो रेडियस है बच्चों 50, तो ये 50 है तो ये 2 टाइम्स कट जाएगा, और अगर ये 2 टाइम्स कट जाएगा तो जो नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.2 न्यूटन। तो नॉर्मल एक्चुअली 0.2 न्यूटन आएगा, और ये कुछ नहीं है, ये वही नॉर्मल है जो ब्लॉक पे लग रहा है, जो प्लेट लगा रहा है, और इतना ही सेंट्रीफ्यूगल की वैल्यू भी होगी या ठीक है ना। तो चलो इस वाले पार्ट में देखते हैं बच्चों इसमें क्या है, कि ये क्या कह रहे हैं कि जो दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसमें बेसिकली हम लोग इस प्लेट को घुमा रहे हैं, ठीक है ना, तो इस प्लेट को घुमा रहे हैं, तो नॉर्मल जो पहले सेंटर की तरफ आ रहा था, अब नॉर्मल सेंटर की तरफ नहीं आएगा, अब ब्लॉक पे नॉर्मल ऐसे आएगा, ठीक ना, ये तो ये मैंने थीटा डिग्री रोटेट करा दिया, तो ये एंगल भी कितना होगा भाई, अपोजिट एंगल है थीटा होगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो अभी भी ऐसे ही लग रहा होगा mv² / r, तो ब्लॉक अभी भी अपने फ्रेम में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील कर रहा होगा। तो अब अगर यहाँ पे फ्रिक्शन देखोगे तो सेंट्रीफ्यूगल का एक कंपोनेंट किधर आएगा भाई, सेंट्रीफ्यूगल का एक कंपोनेंट आएगा, देखो किधर आ रहा, सेंट्रीफ्यूगल का एक कंपोनेंट इधर नॉर्मल कैपेसिटी आएगा, जिसकी वैल्यू होगी mv² / r cos थीटा, और इसी का एक कंपोनेंट इधर आएगा जो होगा mv² / r sin थीटा। तो ये mv² / r cos थीटा और mv² / sin थीटा ये सेंट्रीफ्यूगल जो ब्लॉक फील कर रहा है उसके कंपोनेंट है। तो अब देखो जो नॉर्मल है वो तो बैलेंस हो जाएगा किससे, बोलो mv² / r cos थीटा से, लेकिन इसको कौन बैलेंस करेगा mv² / r sin थीटा को, तो इसके अपोजिट ऑब्वियसली फ्रिक्शन आ रहा होगा, तो फ्रिक्शन इधर को डायरेक्शन में आएगा, इसके अपोजिट ऐसे आएगा फ्रिक्शन की वैल्यू, और ये मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा उस वक्त ब्लॉक स्लिप करेगा, मतलब ये नेचर ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा लिमिटिंग। तो ये नेचर ऑफ फ्रिक्शन ये लिमिटिंग है और ये मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ से मैं जो इक्वेशन है उसको अगर मैं लिखता हूँ तो मैक्सिमम जो फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू आ जाएगी mv² / r साइन थीटा, और ये फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो अगर ये इक्वेशन नंबर 2 है तो यहाँ से जो फ्रिक्शन है वो μn इज इक्वल टू mv² sin थीटा और ओवर r की वैल्यू आ जाएगी। तो नॉर्मल की वैल्यू पहले ही निकाल चुके, तो नॉर्मल की वैल्यू यहाँ रख देते हो, तो नॉर्मल की वैल्यू है mv² / r cos थीटा, ये वाली चीज़, और यहाँ से बन जाएगा mv² / r sin थीटा। तो यहाँ से जो mv² / r है, mv² ये कट जाएगा, तो यहाँ से म्यू की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी tan थीटा। अब tan थीटा जो म्यू की वैल्यू है वो 0.58 दे रखा है, तो 0.58 जो होता है वो कुछ नहीं है, 0.58 1/√3 की वैल्यू है, तो 1/√3 0.58, और 1/√3 अगर देखोगे तो tan की वैल्यू अगर 1/√3 है तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा 30 डिग्री। तो जैसे ही 30 डिग्री से ज़्यादा करोगे या तो 30 डिग्री पे जस्ट ब्लॉक स्लिप करने वाला है, 30 डिग्री के बाद स्लिप कर जाएगा। तो दिस इज़ द फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, दिस इज बेसिकली द पार्ट 2। तो फाइंड द एंगल एट विच द ब्लॉक स्टार्ट स्लाइडिंग, दिस इज पार्ट 1, पार्ट 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मेरे चैनल के साथ ऐसे बने रहो प्यारे बच्चों।